हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटीबी किचन। मेरा नाम है वंदना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीनट मसाला रेसिपी, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। बाजार के पीनट मसाला तो आपने बहुत खाए होंगे, एक बार घर पे व्रत वाले पीनट मसाला भी ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और सारे नवरात्रे में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीनट मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप कच्ची मूंगफली ली है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, तो लगभग 2 चम्मच पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसे जस्ट कोटिंग देनी है पानी से, ताकि जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे, वो अच्छे से कोट हो जाएं। क्योंकि यही इस रेसिपी का मेन ट्रिक है कि जो हम इसमें मसाले ऐड करें वो अच्छे से कोट होने चाहिए पीनट के ऊपर, तभी आपका पीनट मसाला बढ़िया बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, पानी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और सारी मूँगफली हमारी गीली हो चुकी है, हल्का सा मॉइस्चर आ गया इसमें। बस इससे ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सामक के चावल का आटा। सामक के चावल, जिसे व्रत में खाया जाता है, आप सब जानते होंगे। इस तरह से दिखता है ये, जैसे राई के दाने होते हैं ना, वाइट कलर का होता है। तो इसी को मैंने मिक्सी में पीस के इसका फाइन पाउडर बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से पाउडर आपका बिल्कुल फाइन होना चाहिए, दानेदार नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो 2 चम्मच भर के मैं इसमें सामक के चावल का आटा डाल रही हूँ। साथ में इसमें डाल रही हूँ सिंघाड़े का आटा, जो व्रत में यूज़ किया जाता है, तो ये भी डाल देंगे लगभग 2 चम्मच। आप इसकी जगह पर कुट्टू के आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सामक के चावल का आटा, तीनों भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मूंगफली हमारी थोड़ी सी गीली थी, जिससे इसने आटे को अच्छे से कोट हो कर लिया है अपने ऊपर। आप देख सकते हैं अच्छे से कोटिंग हो रही है इसकी। तो इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था हमें मूंगफली का। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे बाकी के। तो मसाले में सबसे पहले ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं चाट मसाला, साथ ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप लाल मिर्च व्रत में नहीं खाते तो आप काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक डाल देंगे, जो हम व्रत में यूज़ करते हैं। साथ ही जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो मिक्स कर देते हैं इन सभी मसालों को मूंगफली के साथ, ताकि इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी इसकी। तो ये देखिए, मैं इसको हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं, अभी जो हमने इसमें आटा डाला था, मसाले डाले थे, वो आपको अलग से दिख रहे होंगे बाउल में, और मूंगफली अलग दिख रही होगी, मतलब अच्छे से कोटिंग नहीं हुई है। तो इसको हम अच्छे से कोटिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, लगभग 1 चम्मच। तो 1-1 चम्मच करके आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो कोटिंग उतर जाएगी मूंगफली पे से। तो यही इस रेसिपी का मेन ट्रिक है, यही मेन स्टेप है, जिसको आपको ध्यान से फॉलो करना है, तभी आपके पीनट मसाला बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो जितना भी आपको मसाला, आटा बाउल में अलग से दिख रहा है ना, वो सब हमने कोट करना है मूंगफली के ऊपर। तो हल्का हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे, लगभग 1-1 चम्मच करके, और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, ताकि हमारा बाउल के अंदर आटा और जो मसाला है वो बिल्कुल भी सेपरेट ना दिखे, सारा मूंगफली के ऊपर कोट हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँगी इसको मिक्स करके अच्छे से। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब बाउल के अंदर आपको एक्स्ट्रा आटा या फिर मसाला नहीं नज़र आ रहा होगा, सारा मसाला और आटा जो था वो हमारे पीनट के ऊपर कोट हो चुका है। तो इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए पीनट का, ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाएगी इस पर। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और ऐड कर रही हूँ, वही सिंघाड़े का आटा ही मैंने लिया है, लगभग 1 चम्मच। ये करने से क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो पीनट्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं आपस में। तो लगभग 1 चम्मच ही मैंने डाला है, और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छे से कोटिंग हुई है पीनट के ऊपर। तो इसको 2 से 3 मिनट तक हम रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे, घी भी हमारा गरम हो चुका है, और गरम होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। अब हम फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं भी इसे हाथों की मदद से ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको डाल सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, जिसके ऊपर कोटिंग करी है हमने वो एकदम से उतर जाएगी और मूंगफली आपकी अलग हो जाएगी, मसाला अलग हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ इसके अंदर,
और अभी हमने इसको मूव नहीं करना बिल्कुल भी, हल्का सा पैन को मूव कर सकते हैं। जब ये थोड़े से सिक जाएंगे उसके बाद हम इसको करछी से पलटेंगे ताकि इसकी कोटिंग ना बिगड़े। तो ये देखिए थोड़े से सिक चुके हैं, अब मैं इसको टर्न करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पीनट मसाला हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है और हमने इसको थोड़ी देर के बाद मूव करा है जिससे कि हमारी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी है, मूंगफली के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो रखी है आटे की और मसाले की। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं कोटिंग हमारी घी में फैली नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से कोट हो रखी है मूंगफली। तो इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए हमारे पीनट मसाला का, तो इसको क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत सुंदर कलर आ गया है पीनट मसाला पे और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई हैं ये। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे तो इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये और एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। ठंडे होने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। तो गैस को मैंने लो कर दिया है और इसको निकाल लेते हैं। तो मैं इसे नैपकिन पे निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा और सेकंड बैच भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं आपको बाद में इसका क्रंच भी सुनाऊंगी, कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हमारे पीनट मसाला। तो ये देखिए दूसरा बैच भी मेरा फ्राई होके तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पीनट मसाला। तो ये देखिए सारे के सारे पीनट मसाला मेरे बनके तैयार हैं, कितने क्रिस्पी और कितने सुंदर दिख रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अब ठंडा होने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।